हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर जस्सी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों के लिए हेयर मास्क। और इसमें चाहिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स। दही ले लिया है मैंने आधा बाउल, और मैं इसमें डालने वाली हूँ आधा नींबू लेमन। और ये जो हेयर मास्क है मैंने बनाया है बच्चों की, जो बच्चों में डैंड्रफ हो जाती है, गर्मियों में पसीना आता है और इचीनेस हो जाती है स्कैल्प में, उसके लिए उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं उसके लिए मैंने बनाया है। ये लिया है दही और इसमें मैंने मिक्स कर लिया है आधा नींबू। और ये देखिए मेरी बेटी है अवलीन, नाउ शी इज़ 8 ईयर्स ओल्ड। और इसके हेयर्स देखिए, और ये मैं इसको लगाती रहती हूँ। और क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि ये डैंड्रफ है तभी लगाना है, जो कर्ड होता है इट इज़ अ नेचुरल कंडीशनर है ना। कर्ड होता है, जो लेमन होता है इट एक्ट इज़ अ नेचुरल कंडीशनर। और जो लेमन है, कर्ड है, इसमें विटामिन सी होता है वो आपको पता ही है, और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्कैल्प के इन्फेक्शंस को ठीक करती हैं। अगर लाइक सपोज करो बच्चों में डैंड्रफ है, ईचीनेस है, खुजली होती है, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये मतलब ठंडा भी होता है स्कैल्प के लिए, और बच्चों की वैसे भी मतलब उसको मॉइस्चराइज करता है हेयर्स को। जैसे कर्ड है, इसमें फैट्स होता है, नेचुरल फैट है, तो वो क्या है कि हेयर्स को फ्रीज नहीं होने देता, इसको नेचुरल मॉइस्चराइजर के एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर एक्ट करता है। बाकी हेयर्स में शाइनिंग भी आती है, हेयर्स लंबे भी होते हैं, और मतलब मैं तो बोलूँगी कि ये लगाना ही चाहिए, दही और नींबू। हर वीक लगा लो, हर वीक नहीं तो 2 वीक के बाद लगा लो। मैं तो अपनी बेटी को लगाती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि इसके बाल बहुत ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं, शाइनिंग आ जाती है। और सपोज करो हल्का, ज़्यादा डैंड्रफ नहीं है इसको, हल्का बहुत डैंड्रफ है तो वो भी सही हो जाता है। तो गाइज, इसके लिए मैंने ले लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आधा बाउल दही लिया था, घर का जमाया हुआ दही, और उसमें मैंने निचोड़ लिया था आधा नींबू लेमन, और उसे मिक्स कर लिया है। और उसको रूट से लेके हेयर्स के टिप्स तक मैंने लगा लिया। ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, तो इसको मतलब सब जगह लगाना है, रूट्स पे तो लगाना ही है स्पेशली, क्योंकि जो डैंड्रफ ईचीनेस की प्रॉब्लम है वो स्कैल्प में ही होती है, तो रूट्स में तो आपको इसको अच्छे से लगाना ही है। बाकी इसको रूट से लेके अपने बालों के टिप्स तक भी लेते हुए जाना है। इससे क्या होगा कि जो बाल हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और मैं तो ये लगाती हूँ हमेशा, और मुझे इसका बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है। बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि बहुत कंडीशनर किया हो, क्योंकि बच्चों के हेयर्स पे हम लोग ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं कर सकते, केमिकल्स होते हैं। तो ये सब होम रेमेडीज़ होती हैं, घरेलू नुस्खे, एंड दही तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, और इट हेल्प्स टू रिमूव डैंड्रफ एज वेल, और हेयर फॉल रिमूव करता है, प्रिवेंट करता है हेयर फॉल। और ये मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। मैं हेयर मास्क की मैंने 2-3 वीडियोस पहले भी शेयर की हैं आपके साथ, पर ये गर्मियों के हिसाब से, समर्स के अकॉर्डिंग ये वाला हेयर मास्क बहुत अच्छा है। तो ये देखिए गाइस, ये अभी टिक के बैठी हुई है, और मैंने इसके पूरे हेयर्स पे अच्छे से लगा दिया। बीच बीच में हेयर्स रह जाते हैं ना जैसे, तो मैंने देख लिया है, तो उसको जो हेयर्स रह गए हैं उसको भी ठीक से लगा दिया है। उसके बाद इसका बंद कर दिया है, जूड़ा कर दिया है, और इसको मैं कवर कर दूँगी। शावर कैप नहीं है तो मेरे पास लिफाफा है, पॉलीथीन है, उससे कवर कर दूँगी। और इसके बाद इसको 30 मिनट तक रहने दूँगी, और 30 मिनट के बाद इसको हल्के माइल्ड शैम्पू से वॉश कर दूँगी। और वॉश करने के बाद जो हेयर्स हैं वो आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम सिल्की और लंबे लंबे, सॉफ्ट सॉफ्ट, और एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी खुशबू आने लग जाती है हेयर्स में से। तो अगर आपको ये मेरा हेयर मास्क अच्छा लगे तो आप ज़रूर ट्राई करना अपने बच्चों पे, और उसका रिज़ल्ट देखना, और फिर कमेंट करके बताना कैसा रहा। और ये थी एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।